दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैपोक सुपर गिलीज और रूबी तिरची के फाइनल प्लेइंग इलेवन पिच रिपोर्ट प्लेयर्स अपडेट प्लेयर मैचअप्स एंड प्लेयर टीम प्रोडिक्शन और, और फैंटेसी टीम के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपको डेली क्रिकेट न्यूज फैक्ट्स और अपडेट्स देने वाले हैं सीएसडी वर्सेज रूबी की मैच सेकेंड जुलाई को सात बजकर पंद्रह मिनट इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड तिरुन वेली में खेला जाने वाला है अब बात करते हैं वेन्यू के बारे तिरुनेल वैली में सबसे बड़ी बाउंड्री सत्तर मीटर की और सबसे छोटी बाउंड्री सिक्सटी टू मीटर की है पिछड़ रिपोर्ट त्रिन्नवैली के पिच एक बैलेंस्ड विकेट है यह पिच बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है और यहाँ बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इस पिच पर शुरू के मुकाबले में थोड़ा स्कोर आपको दिख सकता है लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा हालांकि यह पिच तेज गेंदबाजों को थोड़ा सपोर्ट करता है फर्स्ट इनिंग में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है स्पिनर्स गेम्स में आते हैं और टी के अधिकतम मैदानों में आपको पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टॉस अहम भूमिका निभाने वाली है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है क्योंकि दूसरी पारी बैट्समैन को यहां संघर्ष करना पड़ेगा और स्कोर बनाने में उन्हें दिक्कत आ सकती है जो तकनीकी बल्लेबाज होंगे वही अच्छा कर सकते हैं इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर एक रन का और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर एक रन का है हाई स्टोर्डर्ड की बात करें तो नैले रॉयल किंग्स में दो चार विकेट पे बनाए थे बीस ओवर्स में और लोएस्ट टोटल की बात करें तो डिंडी गोल्ड ड्रैगन्स ने तिरासी रन दस विकेट्स पे बनाए थे इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करने वाली टीम थर्टीन मैचेज में से सेवेंटी फोर परसेंट जीती है और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम फिफ्टी थ्री परसेंट जीती है साथ ही इस ग्राउंड पर लास्ट कुछ मैचेज में पेसर्स ने थर्टी विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने फोर्टी विकेट्स लिए एट्रैक्टिव अलेवन दोस्तों क्या आपने अट्रैक्टिव अलेवन ऐप को ज्वाइन किया है अगर नहीं किया तो फटाफट फड़ जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी कभी ज्वाइन कर लो अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग्स खेलते हो तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव अलेवन लेता है मार्केट से सभी ऐप पर बहुत कम कमीशन और कुछ कुछ तो बिना कमीशन वाले कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट ढाई गुना ज्यादा होगा साथ ही यहाँ पर एंट्री फीस भी काफ़ी कम है जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और वो पैसा आपके आगे के कॉन्टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आपको ट्वेंटी एंट्री फीस कंप्रीजन यहाँ जीरो कमीशन फ्री गिव अवे यहाँ पर आप हमारे रिफर कोड यूज करके डिपॉजिट करते हो तो ट्वेंटी परसेंट तक रियल कैश मिलेगा हंड्रेड टू टू थाउजेंड रुपीज डिपोजिट करते हो तो तो देर किस बात की तुरंत ज्वाइन कीजिए अट्रैक्टिव और जीतिए और भी ज्यादा पैसा और अट्रैक्टिव अलेवन की टीम आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देते जाएंगे तो करिए डाउनलोड बिना किसी टेंशन के बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग इलेवन के बारे में पहले बात करते हैं चेपोक सुपर गिलीज की एस संतोष शिव नारायण जगदीशन प्रदोष रंजन पॉल बाबा पराजत संजय यादव हरीश कुमार मदन कुमार उत्तिर शामी ससी रामलिंगन रोहित एम सिलार वर्सन एंड राहुल शाह रॉकी भास्कर इम्पैक्ट प्लेयर संतोष शिव संतोष शिव पिछले मैच में सी एस जी की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आए थे रॉकी भास्कर की जगह पे इस टीम में नारायण जगदीशन और एस संतोष शिव ये सी एस जी के लिए ओपनिंग करेंगे बाद में तीन नंबर पे बाबा पराजित आएंगे और संजय यादव हरीश कुमार टीम में फिनिशर का रोल निभाएंगे बात करते हैं रूबी तिरची की गणेश सिद्धार राजू टी सरन Friends Rockins, Manibharti, Bharti, Darial Ferrero, uh, Jafar Jamal, R. Rajkumar, Anthony Das, and G. Godson, uh, R. Silabarsan, E. Iswaran, and T. Natrajan. Impact player G. Godson. जी गॉडसन पहले पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के लिस्ट में आए थे और जैफर जमाल की जगह ली थी इस टीम में गंगा सिद्धार्थ राजू और टी सरन ओपनिंग करेंगे फ्रांस रॉकिन्स तीन नंबर पर खेलेंगे और के मनी भारती और दयाल फरैरियो टीम में फिनिशिंग का रोल निभाएंगे ये प्रोबेबली इलेवन है और इसमें अगर कोई भी बदलाव होते हैं और इसकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी हमारे चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से जाकर जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अब बात करते हैं टीम्स के हेड टू हेड कंपटिशन के बारे में लास्ट सेवन मैचेज में चेपॉक सुपर ने वो मुकाबले जीते हैं और रूबी तिरची ने तीन मुकाबले जीते हैं बात करते हैं टीम्स के फॉर्म की तो सीएसजी ने लास्ट मैचेस में वन मैच जीता है और बेलीज ने लास्ट फाइव मैचेस में जीरो मैचेस जीते हैं बात करते हैं दोनों तो टीम्स के लास्ट हेड टू हेड मैचेस के बारे में फर्स्ट इनिंग सीएसजी एस जी बैटिंग राधाकृष्णन ने उनचास बॉल इक्यासी रन और यू ससीदेव ने पैंतीस बॉल पैंसठ रन रूबी बॉलिंग आ, पिया मोजी ने चार ओवर्स में साठ रन दे तीन विकेट और राहुल शाह ने बत्तीस रन दे एक विकेट लिया था रूबी बैटिंग संतोष शिव ने अड़तीस बॉल में उनसठ रन और एस सात्विक ने आ, 28 बॉल में 33 रन बनाए सीएस बॉलिंग आर अलेक्जेंडर ने तीन ओवर में उन्नीस रन देकर दो विकेट और आर साई किशोर ने तीन ओवर्स में छब्बीस रन देकर एक विकेट लिया था बात करते हैं इस वेन्यू में हुए कुछ लास्ट मैचेस के बारे में आर टी डब्ल्यू वर्सेज इस मैच में आर ड़े ड़े ने बैटिंग करते हुए एक सौ रन बनाए और छह विकेट गवाए इस मैच में आई ने इस टोटल का पीछा करते हुए एक रन बनाए और मैच को जीत लिया इस मैच में स्पिनर्स ने चार विकेट्स लिए थे और फास्ट बॉलर्स ने सात विकेट लिए थे एल के के इस मैच में एल ने पहले बैटिंग करते हुए एक सौ रन बनाए थे और आठ विकेट गवाए थे डीडी इस टोटल का पीछा करते हुए एक रन बनाकर इस मैच को जीत चुकी थी और इस मैच में स्पिनर्स ने सात विकेट्स लिए थे और फास्ट बॉलर्स ने फाइव विकेट्स लिए थे एसएस एस वर्सेज के इस मैच में एसएस ने पहले बैटिंग करते हुए एक रन बनाए और सेवन विकेट्स गवाए एन ने इस टोटल का पीछा करते हुए एक बनाए और मैच को जीत लिया इस मैच में स्पिनर्स ने टू विकेट्स लिए और फास्ट बॉलर्स ने एट विकेट्स लिए एस एम पी वर्सेज सी एस जी इस मैच में सीएस जी ने पहले बैटिंग करते हुए एक सौ पैंतीस रन बनाए और आठ विकेट गवाए एस एम पी एक सौ छत्तीस रन बनाकर मैच को जीत चुकी थी और इस मैच में स्पिनर्स ने चार विकेट्स लिए थे और फास्ट बॉलर्स ने नाइन विकेट्स झटके थे अब बात करते हैं सभी प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में चेपॉक सुपर गिलीज एस संतोष शिव रिसेंट फॉर्म ट्वेंटी एट वन फोर्टीन नारायण जगदीशन थर्टी फाइव थर्टी सेवन फोर थर्टीन प्रदोष रंजन पॉल थ्री सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव बाबा अपराजित थर्टी थ्री प्लस टू विकेट सेवेंटी फोर प्लस वन विकेट ट्वेल्व प्लस जीरो विकेट फोर्टी सिक्स प्लस वन विकेट संजय यादव रिसेंट फॉर्म नाइन थ्री प्लस जीरो विकेट टू ट्वेंटी टू प्लस जीरो विकेट हरीश कुमार रिसेंट फॉर्म थ्री प्लस जीरो विकेट नाइन प्लस वन विकेट थर्टी टू प्लस जीरो विकेट टूएल्व प्लस टू विकेट उत्र सामी शशिदेव देव सिक्स नाइन ट्वेंटी थ्री फोर रामलिंगन रोहित वन विकेट टू विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट माधन कुमार जीरो विकेट राहिल शाह वन विकेट थ्री विकेट वन विकेट टू विकेट एम सिलवर्सन टू विकेट वन विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट इंपैक्ट प्लेयर रॉकी भास्कर जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट टू विकेट रूबी तिरची गंगा शशिधीर राजू जीरो प्लस जीरो विकेट फिफ्टी एट सिक्स फोर्टी एट टी सरन रिसेंट फॉर्म फाइव फ्रांस रॉकिस रिसेंट फॉर्म एटीन मनी भारती फोर्टी एट जीरो फोर्टी टू डारियाल फेरेरो ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन फाइव जफर जमाल वन अलेवन जीरो फोर आर राजकुमार जीरो थर्टी वन फिफ्टीन थर्टी नाइन एंटोनी दास थ्री प्लस जीरो विकेट नाइन ट्वेल्व ईश्वरन टू विकेट विकेट टू विकेट जीरो विकेट आर विकेट वन विकेट वन विकेट टू विकेट टी नटराजन रिसेंट फॉर्म वन विकेट वन विकेट वन विकेट इंपैक्ट प्लेयर जी गॉडसन रीसेंट फॉर्म जीरो विकेट अब बात करते हैं फैंटसी टीम के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं की प्लेयर्स ट्रम्प कार्ड पॉसिबल कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में नारायण जगदीशन बाबा पराजित राहल शाह गंगा सिद्धार राजू संजय यादव टी नटराजन हरीश कुमार ये की प्लेयर्स हैं सबसे पहले बात करते हैं गंगा सिद्धार राजू की ये अपने टीम में कप्तान भी हैं तो कप्तानी पारी खेलेंगे और ये अच्छे फॉर्म में हैं ये आपके लिए रन स्कोर कर सकते हैं और ये कंसिस्टेंट प्लेयर हैं नारायण जगदीशन भी अपने टीम के कप्तान हैं और ये आपको आप विकेट कीपिंग में पॉइंट देंगे थोड़े अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन कभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं बाबा पराजित और हरीश कुमार ये दोनों काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं सी के लिए ये आपको बल्लेबाजी में अच्छे पॉइंट्स देंगे और गेंदबाजी में भी दो दिन ओवर करा सकते हैं बाबा पराजित पिछले कुछ मैच में विकेट भी ले रहे हैं और रन भी स्कोर कर रहे हैं संजय यादव अच्छा पिक हो सकते हैं क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और एक से दो ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं टी नटराजन काफी अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर सकते हैं अगर इनकी टीम पहले इनिंग में गेंदबाजी करे तो ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे राहिल शाह अच्छे स्पिनर हैं और सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं टीम को ये अच्छा फ़ायदा कराएंगे ये सभी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है और ये सभी प्लेयर्स कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे ट्रंप कार्ड इस मैच में प्रदोष रंजन पॉल मनी भारती और आर सलाम बर्सन ये आ, श्रम कार्ड हैं सबसे पहले बात करें के मनी भारती की ये अच्छे बल्लेबाज हैं इन्होंने इस सीज़न में फोर्टी प्लस दो तो बार स्कोर किया है यहाँ आपको विकेट कीपिंग में बल्लेबाजी दोनों में पॉइंट दे सकते हैं और प्रदोष रंजन पॉल इन्होंने पहले मैच में रन स्कोर किया उसके बाद कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा इन लोग इन्हें इग्नोर कर रहे हैं लेकिन ये पावर प्ले में अच्छी हिटिंग कर सकते हैं अगर इनको बैटिंग में डिमोट ना किया जाए तो अच्छा करके देंगे टीम के लिए और एक अच्छे स्कोरर भी हो सकते हैं आप इनको ट्राई कर सकते हैं एयर से वर्सन ये अच्छे ट्रंप भी कह सकते हैं अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती हो तो वहाँ विकेट मिलने पर ज्यादा इनको चांसेस होंगे और ये तीन खिलाड़ी ट्रंप एक हो सकते हैं इन सभी प्लेयर्स की सेलेक्शन कम है लेकिन ये सभी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं और इसमें से कुछ प्लेयर्स तो अपनी टीम में आप जरूर रखें अब देखते हैं पॉसिबल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बाबा पराजित गणेश सिद्धार्थ राजू राहुल शाह बाबा पराजित अपनी टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही दो से तीन ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं बाबा पराजित ये सी में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हैं बैट से भी और बॉल से भी गंगा सिद्धार्थ राजू काफी अच्छे खिलाड़ी हैं अधिकतम समय आपको रन स्कोर करके देंगे और ये अपनी टीम के कप्तान भी हैं एक कप्तान पारी ये खेल सकते हैं रायल शाह हाँ अपनी टीम में स्पिनर हैं और हर मैच में एक से दो विकेट निकाल रहे हैं तो टीम में इनकी अगर दूसरी पारी में गेंदबाजी आती है तो ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए ये तीन कप्तानी और उपकप्तान के अच्छे विकल्प हैं अब हम जानते हैं हमारी फैंटसी टीम ए विकेट कीपर विकेट कीपिंग में हम सेलेक्ट करेंगे नारायण जगदीशन के मनी भारती को ये प्लेयर हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स देते हैं और ठीक ठाक फॉर्म में है ये आपको पावर प्ले में हिटिंग करके दे सकते हैं और अच्छा खासा रन स्कोर करके दे सकते हैं नारायण जगदीशन अपनी टीम के कप्तान भी हैं तो एक अच्छी पारी खेलते हुए दिख सकते हैं मनी भारती इन्होंने भी इस सीजन अच्छा परफॉर्म किया है बैट्समैन बैटिंग में हम लेंगे गंगा सिद्धार्थ राजू संजय यादव संतोष शिव ये तीनों खिलाड़ी हमें बैटिंग सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं गंगा सिद्धार्थ राजू एस संतोष शिव ये दोनों पावर प्ले में अच्छा खासा रन स्कोर करें और गंगा सिद्धार्थ राजू कंसिस्टेंट खिलाड़ी भी हैं आपको अधिकतम समय ये रन स्कोर करके देंगे और आप इनसे एक अच्छी इनिंग की उम्मीद कर सकते हैं संजय यादव ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे और पिछले कुछ मैच से गेंदबाजी भी कर रहे हैं एक से दो ओवर में एक अच्छा पिक हो सकते हैं और थोड़े फॉर्म में संघर्ष हो रहा है लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं कभी भी अच्छा कर सकते हैं ऑलराउंडर ऑलराउंडर्स -rounder, के सेक्शन में हम लेंगे बाबा पराजित हरीश कुमार बाबा पराजित मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और स्पिन से कुछ ओवर से गेंदबाजी भी कर सकते हैं तो ये काफी अच्छे हैं और बाबा पराजित काफी अच्छे फॉर्म में सीजन में मैक्सिमम मैच में अच्छा खासा पॉइंट देंगे हरीश कुमार ये मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं कभी कभी डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं बॉलर आर सिलार वर्सन टी नटराजन सबसे पहले बात करें एम सिलार वर्सन की तो साहिल तोिल शाह ये दोनों अच्छे स्पिनर हैं और दोनों इनिंग्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं आपको इनको ट्राई करना चाहिए टी नटराजन इन्हें पिछले मैच में एक विकेट लिया था और विकेट पे ये अच्छे गेंदबाज भी हैं और ये सीजन बस उतना अच्छा नहीं जा रहा है अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करे तो ये डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं और वहां विकेट मिलने के मौके ज्यादा होंगे आर सिलावर्सन ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे तो इनके चांसेज हैं डेथ में विकेट निकालने का थोड़ा फॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं आप चार गेंदबाज ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए कैप्टन के लिए हम चूज करेंगे बाबा अपराजित और वाइस कैप्टन के लिए चूज करेंगे राहिल शाह दोस्तों इनमें हम चेंजेस तो करने वाले हैं और चेंजेस देखने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए चैनल के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं अब बात करते हैं मैच विनर के बारे में सी के जीतने का परसेंटेज सिक्सटी परसेंट है और रूबी के जीतने का परसेंटेज फोर्टी परसेंट है और हमारे हिसाब से मैच सी जीतेगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी सी या रूबी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की फैंडसी टीम हमने दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लास्ट मैचेस परफॉर्मेंस उनके रिकॉर्ड उनके स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स पर बनाई हुई है और ये हमारी फाइनल फेंडसी टीम नहीं होती है हमारी फाइनल फेंटसी टीम आपको टॉस के बाद हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई होगी डेली ऐसे रिपोर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें शुक्रिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ऐसी ज्वाइन कर लीजिए कम कॉम्पिटिशन है एक बार ट्राई करके देखो आपको बहुत शानदार लगेगा और एक सबसे जरूरी बात इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है इसे जिम्मेदारी ऐसी खेले